संबल में भारी विरोध के बीच प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान। अवैध रूप से सड़क किनारे खोखे और दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों के गुस्से का शिकार हुए अधिकारी। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शहर भर में चलाया गया अभियान। एसडीएम सदर दीपेंद्र यादव के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। पुलिस प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों से शहर को कराया खाली। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की दी चेतावनी। संबल सदर कोतवाली क्षेत्र में चलाया गया अभियान। चलाया जा रहा था क्या पूरा मामला और किस स्तर पर चलाया गया? ये जो है अक्रम हटाओ अभियान, निरंतर चलाए जाने वाले अक्रम हटाओ अभियान का हिस्सा है। इसके लिए पहले से अनाउंस करा दिया गया था, सबको नोटिसें दे दी गई थी। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने अपना अक्रमण नहीं हटाया है उसे नगर पालिका की टीम पुलिस बल द्वारा इसको हटाया जा रहा है। और शहर में आगे भी अक्रम हटाओ अभियान निरंतर चलता रहेगा। अभी हम लोगों ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विशेष अभियान के लिए शनिवार का दिन नियत किया है। पिछले दो शनिवार से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। सर किस तरह चलाया गया ये? सर आगे भी इस तरह के जो अभियान चल रहे हैं, फिर बाद में अतिक्रमण हो जाता है तो सर क्या कहना? बाद में भी अतिक्रमण हो जाता है चलाने के बाद तो क्या कहना? हम लोग नगर पालिका वाले साथ में योजना भी बना रहे हैं, इसको सुंदरीकरण कराने के। हम लोग साइड पट्टी बनाना है, इसके अलावा फुटपाथ बनाना है, रेलिंग लगानी है। इस तरीके से हम इसको करेंगे ताकि भविष्य में कभी दोबारा कोई अतिक्रमण न कर पाए। इसके बावजूद भी कोई करेगा तो हम विधिक कार्रवाई के खिलाफ करेंगे।